नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि कल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई विधायकों ने यह कहा कि बिहार में जो अफसरशाही है वो पूरे तरीके से बेलगाम हो चुकी है। जो अफसर हैं वो विधायकों की बात को नहीं सुनते हैं, जिसके बाद आज हमने राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा से बात की। तो उन दोनों लोगों ने भी साफ तौर पे यही कहा कि बिहार में जब से नीतीश कुमार का राज है तब से जो अफसर हैं वो पूरे तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, पहले आप वो सुने। हम लोग कहते आए हैं तो लोग कहता था कि ये विरोधी दल के लोग हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं, जब सत्ता पक्ष के लोग ही यही बात कर रहे हैं जो हम बात कर रहे थे, तो बेलगाम तो हो ही गया। अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट है, और बिहार में ब्यूरोक्रेट सरकार चला रही है और विधायकों का कहीं पूछ नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अगर विधायक अपनी बात रखेंगे तो उनकी बातों को माना जाएगा? एकदम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि महागठबंधन के हम सदस्य रहे हैं और उस समय वो मुख्यमंत्री थे। इन सवालों को मैंने विधायक दल की बैठक में मैंने उठाया था, उनको अच्छा नहीं लगा और उनका उस समय चेहरा देखने लायक था जब मैं अपनी बातों को रख रहा था और विधायकों की चर्चा कर रहा था। देखिए, ऐसा है कि ये बात जग जाहिर है, किसी भी मंत्री का भी पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, किसी विधायक का नहीं सुनते। तो हम कई बार बोले हैं, यही तो रोना है कि जब से इस सरकार बनी है पता नहीं पदाधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री का कोई गाइडलाइंस है, हिम्मत कैसे कर सकता है माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए कि साहब किसी की बात न सुने। विधायक जो होते हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी आवाज़ उठाना है, उनकी कठिनाई समस्याओं को पदाधिकारियों को बताना है, मंत्रियों को बताना है, कोई कहीं नहीं सुन रहा है। पूरा सिस्टम कोलैप्स है। और मैं बताऊं कि अगर यही रहा तो बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य में पूरे देश में हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को यह सोचना होगा, जब उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं दूसरे विपक्ष का कौन सुन रहा है। ये बात सच्चाई है और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पदाधिकारी नहीं सुनते, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि बिहार में जो अफसरशाही है वो पूरे तरीके से बेलगाम हो चुकी है, हमने कई बार इन सारी बातों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भी रखा है, और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी इसी अफसरशाही को लेकर भी कहा है कि जो बिहार में अफसरशाही है वो पूरे तरीके से बेलगाम हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, ऐसे में जो बीजेपी के विधायक हैं वही अफसरशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।